मंग रही है। पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार प्रति पंजाबियों के गुस्से का इजहार कर रही है। मैं माफ करना, बहुत सारे होर वड्डे लीडर मंच ते विराजमान है, अंगद जी है, साडे एक्स एम एल ए राणा कुलदीप सिंह है, मेरा ख्याल सब तो सियाने हुण उही है साडे च, रोपड़ तो साबका प्रधान सुखविंदर विस्की जी है, सुखदेव जी है। मेरा कहना मतलब बड़ी गिनती तुसी सारे आए हो, कारण की है? कारण एक ही है कि आज कांग्रेस नो इको टाइम थे दो लड़ाइयां लड़नियां पै रही हैं। एक लड़ाई है केंद्र दी मोदी सरकार नाल, दूजी लड़ाई है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार नाल। दोनों ने झूठ बोल के लारे लपे ला के वोटां लुट लईआं, सरकारां बनाउण च कामयाब हो गए, लेकिन अज जो दुर्दशा मुल्क की हो रही है ये पिछले 70 साल च देखण नूं नहीं मिली। मैं कहना चाहना दो गुजराती है जिहड़े देश नूं बेच रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी दूजे अमित शाह, दो गुजराती है जिहड़े देश नूं खरीद रहे हैं, एक अंबानी एक अडानी, और मैनू कहण च भी कोई गुरेज नहीं, दो गुजरातियों ने देश तोड़िया था, मोहम्मद जिन्ना ते उन्हां दे साथियों ने अज मुड़ के इतिहास अपने आप नूं दोहरा रहा है। उही गुजराती अज देश नूं तोड़न दा काम कर रहे हैं। अज समाजिक भाईचारा लीरो लीर करता है, अज सारे देश च जातां दे नां ते लड़ाई है, धर्मां दे नां ते लड़ाई है, बोली दी नां ते लड़ाई है, इलाके दे नां ते लड़ाई है, हर किस्म नाल समाज नूं लीरो लीर करके जे उहदी तस्वीर देखणी है, उहदी तस्वीर मणिपुर है, उहदी तस्वीर हरियाणा है, उहदी तस्वीर दिल्ली दंगे है, उहदी तस्वीर देश दे बख बख हिस्सिआं च होई, धर्म दे नां ते हिंसा, जातां दे नां ते हिंसा, इलाकाबाद दे नां ते हिंसा, बोली दे नां ते हिंसा, अज भाई भाई का दुश्मन होके इस मुल्क की धरती नूं लहू लुहान करता। एक पासे दूजे पासे सारा कुछ बिक गया, वो केंद्रीय प्रोजेक्ट जिहड़े किसे जमाने च कांग्रेस ने लाए सी, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लाए सी, वो चाहे हिंदुस्तान दी एयरपोर्टा हो, चाहे हिंदुस्तान दी रेलवे हो, या होर बड़े कारखाने हो, एक एक करके मोदी सरकार बेच रही है। आज उन्हां दी पॉलिसी देता है
बीजेपी पंजाब विच भी पैर पसारना चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहना कि जिहड़ा दर्द बीजेपी ने ते मोदी ने किसान अंदोलन के अंदर पंजाबियों नूं दित्ता, सैकड़ा मावां दे लाल दिल्ली बॉर्डर ते अपनियां जानां कुर्बान कर गए, लड़ाई नूं फैसला कुन मोड़ तक लै गए, लड़ाई जित के आए, लेकिन जिन्हां लाशां दा संस्कार तीन काले कानूनां दे खिलाफ लड़न वास्ते पंजाबी मावां दे पुत्रां ने लड़िया, फिर वो पंजाबी खून नहीं होएगा जो इस गल नूं भुल जाएगा। मैं कहना चाहुंदा बीजेपी ते बीजेपी दे लीडरां नूं हमेशा हमेशा वास्ते भुल जाना चाहिए, कदे पंजाब विच भी उन्हां दे पैर लगणगे या कदे पंजाब दे लोक भी उन्हां नूं तस्लीम करनगे, कदे उन्हां नूं मन लैणगे। ते जे बीजेपी है नहीं, पंजाब दे लोकां ने मन्नी नहीं, पंजाब दे लोकां ने मन्नी नहीं, मैं जिम्मेवारी नाल कहना इलेक्शन होना 24 च जेब च पर्ची लिख के पा लियो, बीजेपी आलियां नूं भेज दियो, इन्होंने चौथे नंबर ते आना, तीए नंबर दी इन्हां दी लड़ाई नहीं है, चौथे नंबर च आना। नंबर दो ते कौन आ गया? अकाली दल। किसे जमाने च देश भगतां दी पार्टी थी, आजादी दे परवानियां दी पार्टी थी, पंजाब दे हक्कां लई जूझण वाली पार्टी थी। पिछले दिनी बीबी सिमरत कौर बोले, मैनू बड़ा चंगा लग्या, उन्होंने फेडरलिज्म की गल की, यूनियन ऑफ स्टेट्स की गल की, बद अधिकारा की गल की, लेकिन मैं अकाली दल नूं भी कहना चाहना कि तुसी अपनी पार्टी ते उस दिन अपने हथी कफन पा लिया था, जिस दिन जम्मू कश्मीर च 370 लगी सी, सारा मुल्क एक पासे खड़िया सी, तुसी मोदी दे नाल खड़े सी, उस दिन थोड़ी असलियत बाहर आ गई सी। हुण गल बननी नहीं है, हुण पंजाबियां ने अकाली दल नूं एक्सेप्ट करना नहीं है, ए डी तो बाहर हो गए। कुछ प्लेयर खेडदे हुंदे है, कुछ खेडण दी तैयारी च हुंदे है, जिहड़े डी तो बाहर हो जांदे है, ते अकाली दल शमूलियत उहदे च हो गई। रह कौन गया लड़न वाला? अज पंजाब दी प्रिंसीपल अपोजिशन पार्टी इलेक्शन च भी साबित होया, अज भी है, ये थोड़ी जिम्मेवारी है। पंजाब दे लोकां ने विरोधी धिर दी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो थानू दित्ती है, और असीं माण नाल कह सकते हैं कि यह विरोधी धिर दी भूमिका पंजाब कांग्रेस का प्रधान राजा अमरिंदर बड़ेंग, लीडर ऑफ द अपोजिशन सरदार प्रताप सिंह बाजवा बखूबी निभा रहे हैं। लोगों नूं दस दिता कि आओ पंजाबियो लड़ो साढ़े नाल खड़ के, आओ कट्ठे होके संघर्ष करिए। ये सरकार जिन्हें झूठे वादे करके सरकार बनाई सी, हुण ओह कहिंदे ने असीं हड़ां दा मुआवजा दवांगे, ओ यारो थोड़ा क्या इतवार करिए, कणक की फसल का तो मुआवजा हुण तक नहीं दिता, हुण तो अगलियां आसा कितों तक रखिए, नहीं देना नहीं मिलना, जे लेना है तो इस ढंग संघर्ष करना पैना है। जिदा अज नवे शहर च कट्ठे हुए है राजा जी, जिले जिले च मारो धरने, लोगों को पता लगे कौन पंजाब के हकों खातर लड़दा है, कौन लड़ सकता है, कौन मंगा पूरियां करवा सकता है। ए दुनिया जानती है कि एको एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है जिदी योग अगवाई है, ये लड़ेगी लोगों के हितों की पूर्ति करेगी, और जब तक साड़िया मंगा नहीं मनिया जानिया ये धरने की लड़ी जड़ी है सिलसिलेवार जारी रहेगी, और आखिर दे विच आके सरकार नूं मजबूर कर देंगे
कि वो जिहड़े लखां किसान बेघर हो गए, जिन्हां दे घर उजड़ गए, जिन्हां दे बच्चे विलकदे आ, जिन्हां कोल रोटी खाण नूं दो वक्त दा अनाज नहीं है, आओ जब तक उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलता। कांग्रेस की जिहड़ी भूमिका है वो इस देश च इस सूबे च इतिहासक रही है, आओ उस इतिहासक जिहड़ी भूमिका है उहदी कड़ी नूं अगे वधांदे होए पंजाब दे लोकां नूं इंसाफ लैके दईए। तां राजा बड़ेंगा जी तुहाडे विच बैठ के कले कले नाल गल करके सत्थां दे विच जाके इस लड़ाई नूं अंजाम तक लिजाण वास्ते साथीओ तुहाडे विच खड़े है, डट के साथ दईए, डट के आओ, बैठो। और सब ते बड़ी गल जिदां बड़िंग साहब ने दस्या, जद आए गए करते चले धरने वास्ते, फिर जे पजामे नूं दो बल पै वी जाण तां फिर निकल जाणगे, पजामे दा क्या फिर धो लवांगे। बह जाओ जिथे जिथे खड़े है, बह जाओ। आपां रोज धरने च आए हैं, कि मेले च नहीं आए, जे रोज धरने च आए हैं फिर रोश होना चाहिए, गिला होना चाहिए। पजामे दे बल कलू फिर कढ़वा लवांगे, वह निकल जाने कि नहीं जाते, पर अपनी अपनी जगह बैठ के जब तक यह धरना खत्म नहीं होंदा, संधु साहब वालों ऐलान नहीं होंदा कि साडा टाइम हो गया, उदों तक ये शमूलियत करिए। मैं पंजाब की कांग्रेस की लीडरशिप नूं बधाई दिंदा कि तुसीं लड़ाई लड़ भी रहे हो, तुसीं दिख भी रहे हो, अज पंजाबियां नूं दिख रहा कि पंजाब च लड़ाई कौन लड़ रहा। लड़ाई लड़ो, मंजिल जरूर मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत मंजिल रोक नहीं सकती। मैं खास तौर पर सूंढ साहब का धन्यवादी हैं जिहड़े स्टेज की भूमिका निभा रहे हैं, सैकटरी जी साढ़े वड्डे भरा ने, बहुत सीनियर आगू ने कांग्रेस के, इन्हों का भी खास तौर पर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राणा के पी जी उन्होंने अपने विचार बहुत ही विस्तार के नाल जिथे पंजाब सरकार दियां नाकामियां ने झूठे वादे ने उन्हां दे बारे दस्सिया, सेंटर सरकार बीजेपी की मोदी की और योगी अमित शाह जी उन्हां दे बारे बड़े विस्तार के नाल दस्सिया। चारे जिलों के जिला प्रधान इत्थे आए ने, उन्हां दे नाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां दे प्रधान भी आए ने, और फलौर हल्के तो बहुत बड़ा जिहड़ा काफला हैगा वह लसौड़ा जी उन्हां दे ते राकेश जी उन्हां दी रहनमाई दे थले मेरा ख्याल है कि घट्टो घट 22-23 गड्डियां लैके वह इत्थे पहुंचे ने, सारे ही जिदा कहिंदा बहुत वड्डी गिणती दे। हुण मैं बेनती करांगा अपने वड्डे वीर दर्शन मंगूपुर जी उन्हां नूं कि वह आन अते अपने विचार थोड़े नाल सांझे करन। दर्शन मंगूपुर जी साबका MLA बड़ाचौर और अजय मंगूपुर जी जिहड़े कि नवांशहर जिले के प्रधान ने, उन्होंने वालदा ने पिता जी, उन्होंने बेनती है वो आके थोड़े नाल अपने विचार सांझे करन। उस तों बाद अमरजीत लालू जी उन्होंने मैं जिहड़े कि यूथ कांग्रेस के प्रधान से वह भी आके थोड़े नाल विचार सांझे करनगे। मंगूपुर जी भाई गल ये है धरने ते आए हो ते एक भी नारा नहीं लाया, मैं वेख्या थोड़ा खड़ जा भाई यार कांग्रेस पार्टी, ओ भाई ओ चाचा की ना है तेरा, आ मेरे नहीं वेखो जरा, ते हर व्यक्ति ने जोर नाल ते बावा चाके नारा लाउणा है भाई जोर नाल, ते हुण जिहड़ा बहाने दे नाल उठ के जांदा है भी मैनू भाई मैं माड़ा जा एक वो विच ही कर ले मगरले पासे राजा वड़िंग बैठा है, पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 हजे अंदर नहीं आ रहा। दर्शन जी तुसी नहीं बोलना फिर थोड़ी आवाज ही सुन रही है बिना माइक को, पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद मशहूरिया वाली सरकार मुर्दाबाद मशहूरिया वाली सरकार मुर्दाबाद मश्किल वाली सरकार मुर्दाबाद मश्किल वाली सरकार मुर्दाबाद किसानों का मुआवजा ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद किसानों का मुआवजा ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद पंजाब नूं हड़ा दी मार दे अंदर दबण वाली सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद।
हुण तुसीं कहणा हाय हाय पंजाब सरकार हाय हाय पंजाब सरकार हाय हाय भाई अगले थक गए हैं आ नंगल दा प्रधान तां थक ही गया हां ते नारा नहीं लाउंदा फिर वाल काले पूरे कराए एक भी चिट्टा नहीं देखदा सारे चिट्टे है तेरे मैनूं पता है पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद मशहूरियां वाली सरकार मुर्दाबाद मशहूरियां वाली सरकार मुर्दाबाद मशहूरियां वाली सरकार मुर्दाबाद मशहूरियां वाली सरकार मुर्दाबाद किसानों का मुआवजा ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद जी मंगूपुर साहब साढ़े बहुत ही सत्कार जो अमरिंदर सिंह राजा पड़ेंग जी प्रधान जी साढ़े बहुत ही सत्कार जो संदीप संधु जी साढ़े बहुत ही सत्कार जो राणा के पी जी साढ़े सत्कार जो सबका एम एल ए पवन आदिया जी साढ़े बहुत ही सत्कार जो बलविंदर धालीवाल जी एम एल ए साहब साढ़े बहुत ही सत्कार जो सरदार त्रिलोचन सिंह सोहण जी मंगा साढ़े बहुत ही सत्कार जो सुखविंदर सिंह विस्की जी प्रधान रोपड़ साढ़े सतविंदर सिंह केड़िया जिला प्रधान रोपड़ परमपाल जी साढ़े सुखदेव बहुत ही सत्कार जो सुखदेव सैनी जी साढ़े सबका एम एल ए अंगद सिंह सैनी नवांशहर हरजीत सिंह जालड़ी जी साढ़े चेयरमैन साहब अमरप्रीत सिंह लाली जी जेडे गढ़शंकर तो एम एल ए खड़े थे लखवीर सिंह लखा जी हलका पायल सतवीर सिंह पल्ली चिक्की जी साढ़े बहुत ही सत्कार जो सीमा गर्ग जी मैंबर पी पी सी होर भी साढ़े सत्कार जो इतने बैठे है बहुत ही सत्कार दर्जा बदर्जा साढ़े लीडर साहबान कांग्रेस के वर्कर साहबान फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मेरे पहलों बहुत ही विस्तार दे नाल साढ़े बहुत ही सत्कार जो सबका स्पीकर साहब जी ने बड़े विस्तार नाल सारे नूं दस्या गल तां कोई कहन नूं रह नहीं गई पर वीरो गल हैगी इह अज मैं देखदा जिस दिन तो राजा बड़िंग जी पंजाब दे प्रधान बने है सच मन्नो जूत दे विच बड़ी वड्डी हौसला होया ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ 24 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਭੁਲੁੱਖਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2024 ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗਰੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ
अज उन्हां ग्रांटां दे सरपंचां ने किसी सुन साहब किसी ने 5 लाख रुपया किसी ने 10 लाख रुपया किसी ने 15 लाख रुपया उधार चक के जिहड़े हैगे पिंडां दे विच विकास दे काम चलाए हुए आ अज उन्हां दी सारी पेमेंट रुक गई। उहदे विच मैं तां प्रधान जी नूं बेनती करांगा कोई ना कोई जिहड़े इन्हां दी पेमेंट दवाउण बारे भी कोई ना कोई फैसला लाओ। सो आओ रल के असीं सारा एक हमला मरीए 2024 दे विच जिहड़ी है मुड़ के कांग्रेस जिहड़ा आउण वाले प्रधानमंत्री जिहड़े राहुल गांधी जी बणनगे। सो इसी तरह 2027 दा भी मोर्चा हुण ते चालू कर दो। वैसे मैं एक सुन साहब थोड़े सारे प्रधान जी दे नोट्स दवाउणा है। साडे जंगलां विचों पहाड़ी इलाके दे विचों बड़ा हड़ आया बड़ा नुकसान होया साडे जिमीदार भरावां दा और पिंडां दा होया पर उहदे विच इक सोना भी उगल के आ रहा सीगा। जिहड़ा सोना उगल के आ रहा सीगा उह तुसीं कहणा किहड़ा उह सफेद रेता आ रहा सीगा। उहदे विचों तुसीं देख लो बाहरों मशीनां लिया के बाहरों टिप्पर लिया के धक्के नाल लद के लिजांदे जिमीदारां दे खेतां विचों भी और कहिंदे वे जे होवे तां तुहाडे ते परचे दर्ज होणगे। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਗੂਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬੋਲ ਹਟੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਭਈਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦਮਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਤੂੰ ਬਈ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੈ ਬਈ। ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਈਏ 5 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਬਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾਰਾ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, XML ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
पंजाब दे लोकां ने मिलके आम आदमी पार्टी की सरकार लियांदी। मैनू भी लग्या कि पंजाब दे एक मास्टर दा मुंडा, पंजाब दे किसान दा मुंडा, गरीब दा मुख्यमंत्री बनिया, एक नवी रीत पई है। चलो इनू मौका दईए, उम्मीद है चंगा काम करूगा। मैनू अंदरों वैसे खुशी सी इस गल दी के लोकां ने चल बदला लियांदा है, बदला दे विच शायद कोई चंगे काम होणगे। लेकिन एक एक साल ऐसी बोले भी नहीं कि मौका दईए ये चंगे काम करन, पंजाब दी तरक्की होवे। लेकिन जिस तरह की नमोशी पूरे पंजाब दे लोकां नूं झलनी पै रही है, जिस तरह की मदहाली पंजाब दे विच फैल रही है, जिस तरीके दे नाल पंजाब दा राज भाग चल रहा है, जो वादे करके जो सुपने दिखा के इन्होंने नौजवानों नूं अगे लाया सी, वो सारे सुपने नौजवानों दे भी टुट गए, पंजाब दे लोकां दे भी टुट गए। हर किसी नूं नमोसी होई है इस सरकार नूं बना के। कई बंदे मैनूं मिलदे कहिंदे असीं अंदर बड़बड़ के अपने मूंह ते चपेड़ा मारदे हैं कि किहड़े वेले डिसीजन ले लिया कि इह आम आदमी पार्टी कहण वाले आम आदमी इन्हां दी सरकार बना बैठे ते पंजाब दे विच अज मदहाली है, हर कोई निराश है ते किसे किस्म दा कोई प्रशासन नहीं है। एक चंगे प्रशासक दे घाट वाजो अज पंजाब दे लोग पानी च डुब्बे है, अज पंजाब दे विच हड़ आए है। पहला तो इंतजाम ना करन दे कारण पंजाब दे लोकां नूं बहुत बुरी हालत दा सामना करना पै रहा है। सत्कारयोग वीरो, लोकतंत्र दियां गल्लां करन वाली पार्टी, असूलां दियां गल्लां करन वाली पार्टी अज जद इन्हां दे दिल्ली दे विच पावरां खो हो रही हैं, कानून बनाता के इन्हां पास रहा कुछ नहीं उत्थे, तां हुण चीकां मार रहे कि साडियां राज दियां अधिकार खो रहे हैं। ऐसी चुने हुए नुमाइंदे ते केजरीवाल जी कहिंदे मेरे अधिकार खोले, मेरे नाल बहुत धक्का करिया। क्यों बई, जद जम्मू कश्मीर नाल धक्का हो रहा सी, उन्हां दे राज नूं यूटी विच बदलता, उदों धक्का नहीं सी। उदों भगवंत मान दी वोट धक्के दे हक च क्यों पुआई सी, जद जम्मू कश्मीर दे राज दे पावरां खोईयां तां तुसी हक च वोट पा के आउंदे हो, ते अज जद थोड़ियां खोईयां जा रहीयां तुसी चीकां मारदे हो। पावरां सब दियां ही हुंदियां, चाहे कोई एमसी दी चोण लड़े, चाहे कोई पंची लड़े, कोई सरपंची लड़े, कोई ब्लॉक समिति, उहदे वास्ते उही इलैक्शन वड्डा हुंदा है। मैं जद एमसी बनिया तीन बार इलैक्शन लड़िया, तीन बार जितया, मैनूं पता अपना पूरा जोर ला दिंदा सी कि एमसी जितना, क्योंकि एमसी ओ मेरे वास्ते बहुत बड़ी चीज सी। प्रधानगी दा चोण लड़ी तां मैनूं ऐ लग्या कि यही बहुत बड़ा मेरे वास्ते। एमएलए लड़िया तां मेरे वास्ते उही इलैक्शन बड़ा सी। क्यों बई, भगवंत मान सिंह 13,249 के 53 पंचायतां पंजाब च, तैं सरपंचां पंचां दे क्यों हक खोले, पंज महीने पहला पंचायतां तोड़तियां, क्या कसूर है उन्हां दा बई?
क्या कसूर है एक लख चुने हुए नमैने का, सरपंच है, पंच है, ब्लॉक समिति मैंबर है, जिला परिषद मैंबर है, क्यों उन्होंने अधिकार खो के पांच महीने पहला तोड़ते? दसंबर तक इस पंचायत चलनिया सी, पंचायत भंग करती, कल नू जे गवर्नर तन्नू भंग कराऊगा फिर क्यों चिंकेगा भाई तू? जब गवर्नर बोलता कहता मेरे चुने हुए सरकार दे विच दखल दे रहा है, तू मुख्यमंत्री होके एक गरीब करता अपने आप नू कह के, एक पंचायती बंदा अपने आप नू दस के पंजाब दिया पंचायतां तोड़तियां, क्या वो पंच सरपंच वो ब्लॉक समिति मैंबर जिला परिषद मैंबर जेड़े चुन के आए उन्हां दा कोई अधिकार नहीं सी? ए वापस करो इन्हां दे अधिकार, दो इन्हां नू, नहीं तो जिधर थानू केंद्र सरकार ने गलते फड़िया तुसी चिकना कांग्रेस की सपोर्ट मंगनी, फिर तुसी दिल्ली दे विच हुण ऐसी सपोर्ट कीती, क्यों कीती? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कोई राज्यां दे विच कार चुने हुए बंदियां नू तोड़े, फिर ये पंजाब दे पंचायतां नू क्यों तोड़े? सोचो सोचो, तुसी सिद्धांतां तो बाहर हो, तुसी सिद्धांतक प्रशासन नहीं दे रहे, तुसी चुने हुए नुमाइंदियां दा निरादर कर रहे हो। कल के परसों 15 अगस्त पर बोल रहे सी, एक तो मुख्यमंत्री दे पूरे सवा साल दे तुसी भाषण कढ़ा के देख लो, कोई मुख्यमंत्री वाला भाषण होवे तां दसो, अजे तक उसे मोड़ विच फिरदा है जेड़े मोड़ विच ओपोजिशन पार्टियां या चुटकले सुनाने वाले होंदे हैं। कहिंदा जेड़े सरपंच चुने हुए जाऊंगे आऊंगे पैसे ला के आऊंगे तुसी 25-25 लाख रुपया, फिर 2-2 करोड़ रुपया कमाओगे, मैं ये चलन नहीं देना। तो पहले ही बेईमान बनाता सारा पंजाब, क्या सारा ही पंजाब बेईमान है? तू ही एक मास्टर का मुंडा ईमानदार निकले, फिर भाई तुसी क्यों खर्चा करिया सी सरकार बनाने वास्ते? हर किलोमीटर पर बोर्ड लग्या होया सी एक मौका केजरीवाल नू, कित्थे दे आए सी पैसे? हो हुण वो पैसों नू तुसी कट्ठे कर रहे हो, फिर तुसी वोट बदले सारे पंजाब दे, किन्ना खर्चा आया? फिर लिखिया एक मौका केजरीवाल ते भगवंत मान नू, वो पैसा कित्थे दे आया सी? तुसी दिल्ली दी सरकार नू लुट के पंजाब सरकार बनाई है, अज पंजाब दे सर लोकां नू लुट के सारे हिंदुस्तान दे विच जहाज लई फिरदे हो। वीरो ये जिहड़ा अपने वाला हैलीकॉप्टर है मुख्यमंत्री कोल, इहदा दिल्ली तक के जांदा है, जद इहने तमिलनाडु दूसरे दिन जांदा, ये आ जांदा गुजरात, ये आ जांदा किते होर, केजरीवाल नू दिल्ली ते बिठाउंदा है, वो अपने वाला हैलीकॉप्टर नहीं जांदा। कल गवर्नर ने दसिया 10 लाख रुपये घंटे पर जहाज लेके जाता है किराए का, 10 लाख रुपये घंटा, 2 दिन रहना बाहर, 4थे दिन फिर तुर पैना, हिसाब ला लो पंजाब का कितना पैसा जा रहा है। ये जिन्निया ऐडा बाहरले सूबे जा रही है, ये अपना पैसा है पंजाब का, ये बेदर्द लोग गुआ रहे हैं, हटा रहे हैं पैसे नू, जेड़ा 1000 करोड़ रुपया एडवरटाइजमेंट पर लादा अब बन्ना नू पक्के कर दिंदा, ऐसी पानी ना डुब देता ना, नहीं कीता। सो मैं बेनती करना चाहता है कि किसान दा मुंडा कह के अपने आप नू इस तो किसाना नू कटा रहे है, ये दिल्ली वाले की सियासत है, ये तो किसी गिनती च नहीं है। आ मोगे च किसान कुटे ते केड़े किसान नू मुआवजा मिलिया सवा साल दे विच? ओ यार मैं तो मजदूर का मुंडा सी, 12000 पहला मुआवजा मिलता सी, असी 17000 करिया, नरमे की फसल नू गुलाबी सुंडी पै गई सी,
पता कर लो सारे मालवे 17,000 रुपया मुआवजा नाल उपर उस तो उपर 10% यानी 1700 रुपया ऐसी तो चोगिया नू दिता मजदूरा नू दिता 18,700 मुआवजा मिलिया। ते पिछली बसाखी नू कणक दी कहिंदा जी असी मुआवजा 15,000 करता वो भाई अजे तां पहले ही 18,500 करी बैठे 18,700 तो 15,000 करके कह रहा मैं बधाता झूठ दी कोई हद हुंदी है। ते एक बटन दबता के जी असी देना शुरू करता मुआवजा सब दे खाते च पै रहा कि खाते विच कणक दा मुआवजा आया कोई हथ खड़ा करके दसो। आ हुण मुर्गियां दा भी दवांगे ऐसी बकरियां दा भी दवांगे ऐसी कोठियां दा भी दवांगे मैनू सारा कुछ पता है 15 अगस्त नू पैसे पा देने अज 17 अगस्त हो गई किन्ने के पैसे आ गए थोड़े खाते च बई कि खाते विच आ गए झूठ दे प्रचार पर किन्ना दिन काम चलेगा। ये तो किसानां नाल हो रही है। फिर कहिंदा मैं मास्टर दा मुंडा जेड़ी मास्टरां नाल होई है सारा जग जानदा है कहिंदा जी असीं मास्टर पक्के करते केड़ा पक्का करिया बई तनखाह वधाई है उन्हां दी तनखाह उन्हां दी 4 बार बदली पहला कहिंदा असीं कढ़ांगे नहीं वह 15-15 साल के लगे वे 10 साल के लगे वे अज तक किने कढ़े आ जिहड़ा तू नहीं कढ़ेगा रेगूलर किनू करिया तू। उस स्कूल दे विच मास्टर 70,000 तनखाह ले रहा है उस स्कूल दे विच इन्होंने 22,000 करके कहिंदे पक्के करते किहड़ा मास्टर पक्का करिया। हर पासे धोखा हर भ्रिष्टाचार फैलिया होया कहिंदे जी असीं कांग्रेसियां नूं फड़ के अंदर दे रहे हैं भ्रिष्टाचार खत्म कर रहे हैं किहड़ी तहसील दे विच बिना पैसे तो कम हो रहा है किहड़े थाने च बिना पैसे तो कम हो रहा थल्ले दा झाको अपने आप ईमानदार बनी जांदे हो। कहिंदा जी इंजन ईमानदार है डब्बे सारे ही बेईमान है एक ही करके लाई जाऊंगे कल कह के हटिया भी डब्बे ऐसी चुने डिब्बे टिकट ऐसी दित्तियां तही दित्तियां तेरी डब्बे है केड़ा डब्बा इंजन के बिना चलता मैं तुम दसो इतने डब्बे खड़ा दो 100 बिना इंजन के कोई चल के दिखावे मूहरे इंजन लाऊंगे तो इंजन भ्रिष्ट होया होया। शराब की गल करदा मैं शराब पंजाब दे विच 9,000 करोड़ रुपये की बिकती है 9,000 करोड़ का थोक का काम भी है परचून का काम भी है। पहला परचून च ठगी हो रही है हुण जाते हुए चाहे ना भी तुसी पींदे हो मैं ठेके बजा के देखियो बोतल पर लिखिया वा 170 रुपये देंगे थोनू 250 की क्यों बई इन्ना फर्क कहते है वो इन्हां वीरां दा ही है जेड़े कहिंदे असी बहुत ईमानदार है इंजन ईमानदार है थोक का व्यापार है पंजाब दे विच पहला पंजाबी बंदे हर जिले के 4-5 जने थोक का काम ले लेंदे सी 185 बंदा सी सब तो वापस ले लिया इन्होंने सिर्फ 6 बंदियां नूं देता वह पंजाबी नहीं है बाहर तो लिया दिल्ली तो ते थोक का जिहड़ा कमीशन है वह दुगुना करता 5% तो 10% करता ब्याज पै के 12 हो जाता और टैक्स पै के 12 हो जाता 6% का वाधा कर लिया 12% कमीशन है 9,000 करोड़ रुपये पर किन्ना बन गया 1,080 करोड़ अरबा रुपया इहदे कर जा रहा इन्हां दे कर जा रहा है। फिर कहिंदे सी खड़ के कहिंदे सी ईमानदार है एक भी दाग लगा के दिखाओ वो मैं ला रहा भाई हिसाब दे दे किसे दिन दस दे भी क्यों कमीशन डबल कर लिया क्यों दिल्ली दे बंदियां नूं ही देता पंजाब दे सारे कटते क्या लोड़ है इन्हां नूं डब्बियां दी जब अरबा रुपया शराब चो ही आ रहा है एक्साइज चो ही अरबा रुपया आ रहा है ये भ्रिष्ट लोग अज पंजाब नूं चला रहे
पंजाब दे खजाने नू लुट के ले जा रहे और इत साढ़े पांच रुपये असी करिया हूँ कहते असी साढ़े पांच दे रहे लेकिन साढ़े पांच दे विच असी भराई भी दिंदे सी भर के दिंदे सी ठेकेदार ने भर के देना सी ये कहते जी अभी तो ट्रालिया नाल दवांगे साढ़े पांच रुपये रेता है 200 फुट ट्राली की 2000 रुपया भराई है किन्ना बन गया 1,550 रुपये उसते उपर एक टोचन पा के बाहर कढ़ दा उन्हें 1,000 रुपया लेना ही लेना है यदि भी पर्ची है वो इन्हां नूं जांदी है किन्ना बन गया 20.5 रुपये उत्थे ही गुरुद्वारे वाले खड़ाए वे कि जी गुरुद्वारे की पर्ची लो पिंड की 500 रुपये की वह कट दिंदे है किन्ना बन गया 23 रुपये दरिया चो निकलता रेता अज मिल रहा है कोई इस तो कट लिया के दिखावे मैं कहांगा ये ठीक है ऐसी गलत है पंजाब की लुट का तुसी देखो किस तरह हो रही है झूठ बोल के हर जगह पोस्टर लगे वे बड़े बड़े बैनर लगे वे किहदा पैसा क्या चीज दिखाना चाहते साढ़े रास्ते दे विच मेरे घर 15 लगे हुए है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकलो चारे पासे पोस्टर पोस्टर ते लिखिया वा क्या है योगशाला कित्थे योगशाला खुली भी बई तुसी कदे योगा करन गया थोड़े जो योगशाला च कोई कदे देखी योगशाला कितने पंजाब दे विच कितने देखी लेकिन गुजरात दे विच पोस्टर लगे हुए के योगशाला मां चला रहे पंजाब च किड्डा बड़ा झूठ है कहंदे जी आम आदमी क्लीनिक खोल रहे मेरी वाइफ जड़ी मेरी घर वाली डॉक्टर है 95 दे विच उन्हें सब तो पहला साडे हल्के सोतल पिंड उत्थे ज्वाइन करिया सी हुण आ 15 अगस्त नूं उहदे पर मूहरे कुची मारी मूहरे बोर्ड लगाता आम आदमी क्लीनिक उस डिस्पेंसरी नूं जिहड़ी 95 च मेरी घर वाली नौकरी करदी अज तक चल रही है उसे नूं आम आदमी क्लीनिक बना के कहिंदे जी आम आदमी क्लीनिक बन गया सो सत्कारयोग वीरो मैं थोड़ा ज्यादा समा नहीं लेना लेकिन एक गल थोनू कहनी है कि तुसी जिहड़ा इस संघर्ष विड़िया राजा बिड़िंग जी थानू बधाई है कांग्रेस पार्टी नूं इस गल का सेहरा जांदा है कि लोगों की लड़ाई अज लोगों के विच आके लड़ रही है लोग धरने थले बैठ बैठ के इन्हों का स्पिट स्यापा कर रहे हैं कि तुसी जेड़े साडा नुकसान होया हड़ां दे विच उहदा मुआवजा दो लेकिन इन्हां ते आस कोई ना रखियो बिल्कुल खाली करता इन्होंने पंजाब नूं पंजाब है जेड़ा अज हिंदुस्तान के उन्हां सूबियां च आ गया जेड़े बीती जेड़े के आर्थिक तौर पर डुब चुके हैं इन्हां दे इन्हां करके इन्हां दीआं गलत नीतियां करके सो इस करके तकड़े रहो लड़ाई दो जीनू सरपंचा कही जाते अंदर दे देंगे कदे किसे नू कह रहे अंदर दे देंगे कदे मैनू कह रहे कदे राजा बड़िंग नू कदे किसे होर नू भाई तुसी अपना चौल ला लो जिहड़ा ला हुंदा जीनू देना अंदर दे लो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्हें जेड़ा भर के आजादी लियांदी है तुसी तां है ही यार कुछ नहीं है थोड़े नाल तां पिछा तां थोड़ा रहा नहीं कल्ले इंजन रह गए हैं इंजन भी बंद हो जाना थोड़े दिन च बहुत बहुत धन्यवाद वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह भाई नारा लाओ भाई पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद लारे वाली सरकार मुर्दाबाद मशहूरिया वाली सरकार मुर्दाबाद किसानों का मुआवजा ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद रेते दियां खड्डां ते ठगी मारन वाली सरकार मुर्दाबाद शराब चो पैसे बनाउण वाली सरकार मुर्दाबाद मैं सारे ही बुलारियां नूं बेनती करांगा कि टाइम काफी हो चुका हूं मैं अंगद सिंह सैनी साहब नूं साबका MLA नवांशहर नूं बेनती करांगा राणा गुरजीत सिंह जी जाना
काली ना करया करो, आ जाओ फिर तुम आ जाओ। राणा गुरजीत सिंह जी एम एल ए साहब वो आके थानू संबोधन करनगे। एक मैं सारे वीरां नूं बेनती करिया चाहना कि 200-250 बंदा साडा बाहर खड़ा कि कोई भी जंग जितनी होवे साडी सारियां लीडरशिप इत्थे बैठी है और तुसी बाहर है। मेहनत करके बेनती है, हथ जोड़ के कला कला बंदा अंदर आके बैठो। प्रधान साहब तो साडे विच बैठे है, 1947 तो लैके पहली बार अद्दां होया और आपां बाहर घूमदे पए आ। मेरी हथ जोड़ के बेनती है सारे ने सारे अंदर आओ। राणा जी बहुत ही सत्कारयोग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग जी, जो वर्कर वीरां दे नाल दरियां दे उत्ते बिलकुल मेरे सामने अखीरली कतार च बैठे आ। प्रधान जी प्रणाम। बहुत ही सत्कारयोग साडे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी, बहुत सत्कारयोग साडे राणा के पी जी साबका स्पीकर विधानसभा पंजाब और इस हल्के दे नुमाइंदगी करदे मेरा पुत्र ही कहूंगा अंगद सैनी जी, त्रिलोचन सून साहब, राज चब्बेवाल जी, बलविंदर धारीवाल जी, ते साडे यूथ दे साबका प्रधान लाली जी। और वेखो नौवां दे चक्कर च पायल साहब बैठे थे, हां जी लखा जी, देखो हुण जिहड़ा नौ रह गया ओदी माफी। और बहुत ही सत्कारयोग दुआबे दे गार्च देश भगतां दी धरती दे उत्ते अज तुसी साडे कांग्रेस दे लीडर साहिबान और वर्कर साहिबान अज धरना लाया प्रधान जी दे कहण ते। मैं समझदा धरने बड़े जरूरी आ, जदों सरकार सौ जाए तो उन्हें जगाना बड़ा जरूरी आ। अज अगर वेख्या जाए तो हड़ां ने पंजाब का बहुत भारी नुकसान किया, और मैं समझदा कि जिहड़ा नुकसान आ इह सारा नुकसान लापरवाही की वजह ना होया। राजा वड़िंग जी सामने बैठे आ तरन तारन दे विच, मैं तीन दिन पहला कहा सीगा, मैं कहा सी पंजाब दे विच भारी नुकसान दोवां तिना दिनां च होण वाला। आदिया जी तुसीं जिन्ने मर्जी लुक लो, इदां नहीं लुकण देंगे, पिछे सीगे नहीं देखे नहीं ना। ते मंगूपुर साहब तो इदां रह जांदे यार, नौ फिर जदों चेता होंदा उदों बोलने बोलने चाहिए भी आ। ते मैं प्रधान जी नूं कहा अगले तिना दिनां च पंजाब दे विच बहुत वड्डा नुकसान होण वाला। कोई ये मैं पंडित नहीं कि मैं पुछ देती, कैलकुलेशन आ जे साडे डैम भरे आ और साडे बराजां दे फट्टे बंद आ, उत्थे पानी पूरा सी थले जान नहीं दे रहे, ते हड़ आने ही आने, डैम बंदे टुटने ही टुटने आ। अज प्रधान जी रोपड़ जिला, लुधियाना, पटियाला, मानसा, संगरूर इहदे ते बड़ा नुकसान होया। सतलज ने दुआबे दे विच नवां शहर, फलौर, शाहकोट, इन्हां तिना हल्कियां का बड़ा भारी नुकसान होया। और जे ब्यास की गल करिए तो ब्यास दे विच गुरदासपुर, हुशियारपुर, कपूरथला, खडूर साहब, इन्हां हल्कियां का पट्टी बहुत भारी नुकसान आ। 2 लाख क्यूसिक पानी पौंग डैम तो छड़िया जा रहा,
डेढ़ लाख और करीब 50,000 क्यूसिक पानी खड्डां चो उहदे नाल आ रहा और साढ़े सही महीने दे विच 5 लाख क्यूसिक पानी दे रिजर्वायर आ उहदे च मिट्टी भर चुकी है, किसी ने साफ नहीं की, अज लोड़ उहनू साफ करन दी आ और उत्थे कपैसिटी मेरे ख्याल 2.5-3 लाख क्यूसिक दी कुल आ और उत्थे पानी 7 लाख क्यूसिक लोकां दे पिंडां च बन तोड़ रहा, उपरों पानी आ रहा, अगे असीं पानी छड्ड नहीं रहे। अज भी 3 लाख क्यूसिक पानी आ रहा और असीं 1 लाख क्यूसिक पानी हरीके तो छड्ड रहे हैं, तो पानी जाऊ तो जाऊ कितने। और अज अखबारां च भी आया कि लगातार 3-4 दिन 3-3 लाख क्यूसिक पानी आना, छड़िए असीं 1 लाख तो पंजाब का किहड़ा पन्ना रह जाऊ, केड़े पिंड रह जाएंगे, लोग फसे बैठे आ। और मैं समझा इन्हां दी मिसकैलकुलेशन, इन्हां दा अनाड़ीपन जिहदे वजह नाल पंजाब दा नुकसान होया और 50,000 रुपये की जिहड़ी तुसी मंग कर रहे हो उहदे नाल नाल जिन्हां गरीब जनता दिहाड़ीदारां दे मकान टुटे आ, व्यापारियां दीआं छोटियां छोटियां पिंडां दे विच दुकानां च सारा सौदा पानी च डुब के खत्म हो गया, उन्हां दा कौन भरपाई करेगा। जिहड़ी मजदूरी इन्ने दिनों तो उन्होंने दिहाड़ी नहीं की थी, उन्हां नूं कौन देगा पैसे, वो गरीब जनता बारे सोचा जाए। उन्हां स्कूलां च जिन्हां च बच्चे अज 1 महीना हो गया जा नहीं पा रहे, उन्हां दे बच्चों का की फ्यूचर है, कौन भरपाई करेगा। सो गल है सरकार जिम्मेवार है, सरकार नूं हर नुकसान दी, चाहे वह किसी की दुकान डुबी होवे, चाहे जानवर मरिया होवे, चाहे फसल डुबी होवे, चाहे किसी की मशीनरी का नुकसान होया होवे, मकानों का नुकसान होया होवे, उहदी भरपाई करनी सरकार का फर्ज बनता। और जिथे ताईं मेरे तो पहला अच्छा मैं बस करा, मैं क्या आ गया ना, जे है तो खुल के दस दे, नहीं बोल लाल पक्की गल है, क्योंकि भाई आना लेट जाना पहला जाना मैं प्रधान जी पहला, कारण उहदा की आ कि सुल्तानपुर हलका अज ढिलवां तो लैके थले ती पलाथ हलका सुल्तानपुर हलका जगह जगह बन्ने टुट रहे आ, लोग जड़े वह दरिया च रे फसे बैठे आ, तो उत्थे दा MLA ठीक है तुहाडी पार्टी का नहीं, लेकिन मेरा पुत्र है तो मैनूं तो जाना पैना। सो वीरो साडी दे ओ हो जूगा जो चाहोगे, वह भी कोई गल नहीं, आपां कि दो एको ही आ, एको घर च सोईंदा कट्ठे रोटी खाईदी आ, मैं दूजा काम कर लैणो करदा नहीं, इन्ना ही फर्क है। तो है तुहाडा जितन सीटी मारांगे बुला लांगे। अच्छा हुण गल आ कि सरपंचियां दी गल दुल्लो साहब ने कीती, दुल्लो साहब नहीं चन्नी साहब, यारो दुल्लो साहब बड़े चेते आए मैनू, मेरे नाल प्यार है उन्हां दा। अच्छा गल आ चन्नी साहब ने कहा जी सरपंचियां साडियां जिला परिषद ब्लॉक समितियां सारियां भंग कर दित्तियां, मैं तो समझदा कागजी पत्री भंग कल परसों कीतियां, इह तां जितन चुन के आए उदन ते साडे कम बंद आ, लोकां नूं नरेगा नहीं मिली, कांग्रेस ने तो दिते हुए पैसे इन्हां नूं लगन नहीं दिते, हुण इन्हां दे मन च पता की आ कि इह जिहड़े पैसे कांग्रेस ने दिते आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਵਾ ਕੇ ਤੱਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਸੋਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਜੈ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ
बहुत वधिया इंतजाम किया आके अपनी हाजरी लवाउण। और उस तो बाद मैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी उन्होंने भी बेनती करांगा वे वह भी तैयार रहन। अंगद सैनी जी लो भाई दो नारे गां तो आपां मता पास कर देने कि जेड़ा लीडर आऊगा जेड़ा अखीर तक बैठूगा उन्हें बोलन देना है दूजे नूं सति श्री अकाल बुला दिया करनी है। राणा साहब की अज मजबूरी है इन्हां दे उत्थे पानी आया इन्हां दी बिल्कुल गल जायज है नहीं तो यह हमेशा अखीरले समय तक धरने तो जाते हैं। सो इन्हां दा धन्नवाद। एदू बाद फिर अंगद जी तो बाद मैं बोलना है दस मिनट दास ने ते इसे तरह तुसी आपकी जगह ते मैं समझना गर्मी है फिर ही पता लगता भी किन्ना साडे ते विच हिम्मत ते हौसला है। जे असी गद्दे ते बह के लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आने वाले समय अगर सानू संघर्ष करना पिया सड़कां ते पुट्टे बैठ के हो सकता है कि भुख हड़तालां भी करनिया पैण हो सकता भुखे त्याए भी रहना पवे हो सकता पांच घंटे पानी भी ना मिले तो फिर असी लड़ाई नहीं लड़ सकते मेरे साथियों। और नौजवान साथी बैठे हैं 23 साल का भगत सिंह सीगा मित्रों जिन्होंने फांसी का फंदा आपके गले नूं चुंबिया और इस देश नूं आजाद करा के दिता इसे करके आजादी मिली सी। हजारा लखा लोगों ने शहादत नहीं दित्तियां शहादत देने वाले चंद ही लोग सन ते उन्हां चंद लोगों की खातर साडे देश नूं आजादी मिली है मैनू पता है। पर लेकिन मैं हमेशा ये गल कहना पहला लीडर साहबानां नूं कहना कि भाई आपदे आप च हिम्मत और हौसला रखो कि आपां पहला आना है तो बाद च जाना है पर कदे किसी की मजबूरी नहीं हो जाती है कोई गल नहीं। लेकिन गां तो संधु साहब परलोचन सिंह सूण साहब ते केपी साहब बैठे साडे सारयां नालों सीनियर है डेप्टी लीडर चब्बेवाल बैठा है आदियां साहब बैठे एक मता पा देना लीडर जिड्डा मर्जी होवे डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन जेड़ा आऊगा वह अखीर तक बैठूगा नहीं वह मंच से नहीं बोलेगा। जोर दी ताड़ियां मार दे चंगी नहीं लगी है गल। सो लो दो नारे तो फिर अंगद सैनी पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद मशहूरियां वाली सरकार मुर्दाबाद। मैं एक नारा कांग्रेस का भी लाना है आ जेडे टेलीफोन से लगे हसी जाते भाई इधर ध्यान करो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस रोस प्रदर्शन में पहुंचे पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग जी उन्हां दे नाल आए बहुत ही सत्कारयोग चरणजीत चन्नी जी साबका मुख्यमंत्री पंजाब राणा गुरजीत जी साबका कैबिनेट मंत्री राणा केपी जी साडे बहुत ही सत्कारयोग एमएलए साहब धालीवाल साहब विधानसभा दे साडे डिप्टी लीडर मेरे बड़े वीर राजकुमार चब्बेवाल साहब मेरे बुजुर्ग दर्शन लाल मंगूपुर जी मेरे बड़े वीर लाली जी आदिया साहब एमएलए और मेरे बहुत ही सत्कारयोग बड़े वीर कैप्टन संदीप संधु जी जेडे कि सारा काम पार्टी का इस समय सामभ रहे हैं। मैं ना लैन होर कई ले सकता पर बहुत समा लगेगा और मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे नवांशहर हल्के दे जिले दे मेरे बुजुर्गों मेरी माताओं और खास तौर पर जेडे बाहरले हल्कों तो लोग आए ने मैं उन्होंने भी जी आया आखदा। और मैं इस मौके पर पंजाब कांग्रेस नूं अते राजा वड़िंग जी नूं मुबारकबाद देना चाहता कि जिहड़ा उह संघर्ष की लड़ाई जिहड़ी लड़ रहे हैं इस समय अज नवां शहर भी पहुंचे है गल्लां करनियां बहुत सौखियां पर सड़कां ते उतर के लोगों के हकां लई
अपने हक लिए तो कोई भी लड़ाई लड़ लैंदा, पर लोगों के हक लिए लड़ाई लड़नी कोई सौखा काम नहीं। पिछले समय में बदकिस्मती नाल जड़ी कुदरत की मार साढ़े पंजाब विच और साढ़े मुल्क विच पई है, आप अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया से देखिए कि किन्ने लोगों का किन्ना नुकसान होया, फसलों की फसल तबाह हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। हिमाचल की खबर रोज़ पढ़ ली दी है, कल परसों भी 50-60 बंदे मर गए, बिल्डिंगा डिग गई। और जे पंजाब की गल करिए साडा जिला भी इस गल तो को बहुता, जे तुसी कहो कि बचिया साडा भी बहुत नुकसान होया, पर जब बाकी जिलों देखी दा कि ना कि परमात्मा का शुक्र करीदा कि ना कि परमात्मा ने मेहर भरिया हथ साडे इलाके फिर बरां रख्या, जो कि बाकी इलाकों नहीं सीगा, भावें फिरोजपुर होवे भावें मोगा होवे अपना मानसा होवे, हालात बहुत मंदे ने। और अज इसे गल ही आप कत्तर होए हैं कि जो किसानों पिछले समय से जिहड़ी मार वजती रही है, कुदरत की मार वजती रही है, एक माड़ी सरकार की पॉलिसिया की जिहड़ी मार वजती रही है, उहदे वास्ते आप कत्तर होए। और इस बारी भी मीह ज़्यादा पैन करके, क्योंकि सारी गल्लां मेरे तो पहला लीडर सबाना ने करतियां, मैं ज़्यादा लंबी गल करनी ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि गर्मी भी बहुत है। साढ़े भी इलाके च राजा जी, साढ़े इलाके च मैं थोनों इन्हां दी नलैकी दी गल दसना चाहुंदा जी, जिहदे करके मैं खड़े हाँ और बोल रहा। पानी का चलो पिछे जिहड़ा वध गया सी राणा गुरजीत जी ने दस्या किद्दां किन्ने क्यूसिक पानी टैक्निकली दस्या सारा कुछ, बिस दवाब नहर विच पानी फुल हो गया सीगा जी, बिल्कुल लैवल बराबर सी। साढ़े इत्थे एक मैतपुर लदनी हेड आंदा जी, जिथे बिस दवाब दो हिस्सों डिवाइड हो जाती, एक गढ़ अपने शारपुर वाल चल जाती, एक थोड़े गुराए वाल अपने फलौर वाल चल जाती है। वह हेडवे तो अगे पानी लैवल घट सी, पर सरकार और प्रशासन ने की किया, उस तो पहला एक होर छोटा जा गेट बनया हुआ सी जिहड़ा कि बेट वल नूं मूंह सीगा उहदा, इन्हां ने वो फट्टे नहीं खोले दोनों नहरां दे, इन्हां ने वो सैड नूं तोड़िया जिहड़ा उत्थे फट्टा लग्गिया सीगा। और जिन्ना बिस दुआब का पानी सी साडे दुआबे इलाके विच आया, जिहदे नाल पता नहीं किन्ने हजारां एकड़ां का साडा नुकसान होया। और इन्ना ही नहीं, जिस दिन सारा सिलसिला शुरू होया, सब तो पहला मैं अपने ताजपुर में जिते सरपंच साहब बैठे होने हैं उस पिंड गया, उस कोई भी प्रशासन का बंदा उस समय नहीं पहुंचा सीगा, सब तो पहला उत्थे मैं पहुंचा, उत्थे पैर वाई प्रशासन तो पहला पिंडा दे लोगों ने की जो भी वह कर सकते सी, दरख्त वढ़ के उत्थे पानी की जिहड़ी ढाल लगती सी उहनूं रोकण की कोशिश की गई। और उस तो बाद जब हलचल देखी प्रशासन ने कि लोग आप सीधे हो गए, उस तो बाद उन्होंने कोई उत्थे पहुंच करने की कोशिश की। पर बदकिस्मती की गल है, इन्ने दिन हो गए, अज भी हालात कोई बहुते चंगे नहीं, अज भी कई पिंडा दे साडे सरपंच बेट इलाके दे नहीं आ सके, मिर्जापुर पिंड है, तलवंडी साबो, लालेवाल, अज भी उत्थे वो कट्ठे होए सीगे, उत्थे ढाल लगती पई सी, हालात बहुत मंदे ने। मैं तो इन्नी अपील करूंगा कि अज का जिहड़ा ये साडा कट्ठ है, ये प्रशासन ने एक बेनती है कि आप जिम्मेवारी नाल मार वजन तो पहला जिहड़ा गरीब किसान है उन्होंने बचाने की कोशिश करिए, ताकि होर उन्होंने जिहड़ी मार ना वज सके। सो मैं बहुता लंबा ना जाते एक बार फिर अपने इलाके के लोगों का और जिन्हें लोग इत्थे आए है उन्हों का तहे दिलों धन्नवाद करदा कि तुसी इन्नी गर्मी में इन्ना चेर बैठे हो, और मैं आस करदा कि आने वाले समय च भी तुसी जिहड़े पंजाब दे लोकां दी और किसानां दी और गरीब वर्ग की जिहड़ी लड़ाई है इसे ढंग नाल लड़ते रहोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंगद जी बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ी गिणती दे विच नवांशहर हलके तो भी वर्कर साथी आए ने। हुण मैं डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी उन्हां नूं बेनती करांगा जिहड़े के डिप्टी लीडर ने विधानसभा दे विच, वो आके थोड़े नाल अपने विचार साझे कर। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, हुण मैं उत्ते चले जावां, इस तों बाद मैं बोलना है, दसो बई प्रधान जी आ जाओ, आ जाओ
पंजाब सरकार मुर्दाबाद। ये यार नवे शहर वाले ना तुम ठंडे जे हो दबाबे वाले नारा ही नहीं लाउंदे। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मशहूरी वाली सरकार मुर्दाबाद। मंच पे विराजमान बहुत ही सत्कारयोग साढ़े नौजवान साथी, पंजाबियों के दिलों की धड़कन अमरिंदर राजा बड़िंग जी, प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ते बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सबका स्पीकर साहब राणा केपी जी, ते अति सत्कारयोग साढ़े इस जिले के प्रधान साढ़े नौजवान साथी अजय मंगूपुरिया जी, अति सत्कारयोग MLA साहब धालीवाल साहब, मेरे वड्डे वीर आदिया साहब, साढ़े लाली जी मंगूपुरिया साहब, साढ़े बख बख जिलों तो आए साढ़े जिला प्रधान, दर्जा बदर्जा साढ़े अहुदेदार साहबान, ब्लॉक प्रधान साहबान, ते बहुत ही सत्कारयोग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज साढ़े जनरल सैक्रटरी साहब कैप्टन संदीप संधु जी, और बहुत ही सत्कारयोग साथियों बड़िंग साहब हुणे कह रहे सी कि दुआबे वाले ताड़ियां जरा घट जोर ना मारदे आ, ये दुआबे वाले नारे ते ताड़ियां घट जोर ना मारदे आ पर कांग्रेस नूं जिउंदा जरूर रखदे आ। सो मैं जिस मजबूती दे नाल कांग्रेस ने इस गढ़ दे विच दुआबे दे विच लड़ के अपना किला बचाया, उस दे लई मैं अपने सारे साथियों नूं और सारे वर्कर साथियों नूं जिन्हां ने लड़ाई लड़ी मैं उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा, ते बहुत ही मुबारकबाद मैं दिंदा हाँ साढ़े नौजवान साथी साढ़े प्रधान अमरिंदर राजा बड़िंग जी ते उन्हां दी समुची टीम नूं, क्योंकि पूरे पंजाब दे विच चर्चा चल रही सी वी यार कांग्रेस जिहड़ी है ग्राउंड ते नहीं आंदी, कांग्रेस ट्विटर ते है, कांग्रेस फेसबुक ते है, पर राजा बड़िंग जी नूं मैं मुबारकबाद दिंदा कि राजा बड़िंग जी ने जिहड़ी इह लड़ाई है इह ग्राउंड ते लै आंदी है। और दूसरी गल साथियों मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी है उहनूं 1.5 साल हो गया, सरकार नूं लगभग 1.5 साल हो गया, पर उहनां नूं एक गल का पता लग गया, एक गल का जरूर पता लग गया भई जेकर उहनां नूं कोई जिता सकता है तो वह कांग्रेस ही जिता सकती है। वह कांग्रसियों के उत्ते कभी किसी ते टोरे, कभी किसी नूं डराउण की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी नूं डराउण की कोशिश कर रहे हैं, पर मैनूं पूरा यकीन है साडी कांग्रेस जिहड़ी है वह एक जुट है, एक मुठ है, साढ़े सारे सिपाही जिहड़े है वह निडर ने, ते मैनूं पूरी उम्मीद है कि यह जिहड़ी लड़ाई ये जो धरने हड़ां दे नुकसान का मुआवजा देण लई आरंभे गए हैं बड़िंग जी वल्लों, और साडियां मंगां जिहड़ियां वह मंग जिहड़ी है पूरा मंगा मन्नण जां ना मन्नण पर उहनां दी नींद जरूर उड़ गई है, नींद नहीं आई हुण भगवंत मान जी नूं। और दूसरी गल ये पवित्र पावन धरती है, शहीदां दी धरती है, इत्थे शहीदां दा लहू गुलिया है, और मैनूं यह दुख है कि इस पवित्र पावन धरती ते दो बंदियां ने आके सौ खाधी सी कट्ठियां ने, एक ने साडा खजाना खाली करता ते दूजे ने पंजाब खाली करता, अज यह भगवंत मान इन पंजाब खाली कर देना, क्योंकि अज जो हालात है, अज जो हालात है पंजाब दे विच हड़ां नाल ते जो नुकसान होया होया ही है, इस तो पहलियां फसलां दा भी साथियों मुआवजा नहीं मिलिया, और उस तो बाद हड़ां ते ज्यादा चानना बड़िंग जी पाणगे, पर मैं बड़िंग जी नूं एक बेनती, मैं ज्यादा नहीं बोलना, मैं बड़िंग जी नूं एक बेनती करनी चाहना कि साडे पंजाब दे लोग जिन्हां गरीबां दे राशन कार्ड कटते हैं उस तो बहुत परेशान है, उसके लिए भी एक बड़ा धरना जिहड़ा है वह जरूर प्लैन किया जाए,
क्योंकि लोगों के नजायज राशन कार्ड जोड़े है वो बहुत घट हो बाकी प्रधान जी तो अशोर करते हैं साड़ी कोशिश मेरी होंगी है कि समय सिर पहुंचा आज माफी चाहना मैं लेट हो गया पर मैं इन्ना जरूर यकीन तुम्हारा चाहना है कि तुम जिथे भी खड़ा करोगे जिथे भी सानू खड़े करोगे असी चटान वांग तुहाडे नाल खड़े हैं चाहे 6 घंटे भुखे रहना पवे चाहे 12 घंटे भुखे रहना पवे जिथे भी लड़ाई जड़ी है तुहाडे मोढे नाल मोढा ला के लड़ांगे और दूसरी अखीरली गल मैं करनी चाहना कि साथियों जिहड़ियां लोक सभा दीआं चोणां है वो असी कांग्रेस ने ही लड़नियां सारियां सीटां घबराउण दी लोड़ नहीं और उसके लिए तैयारी जिहड़ी है आरंभ कर दिती गई है तो मैं पूरी उम्मीद है कि असी पहला नालों भी ज्यादा सीटा लैके ये जरा मोर्चा वो फतेह करांगे सो ज्यादा समय ना लैंदा होया मैं संधु जी ने भी उन्होंने बहुत मुबारक देना चाहना उन्होंने उन्होंने कोशिशों के लिए उन्होंने प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी इतों पहला मैं प्रधान जी राजा बड़ंग जी उन्होंने थोड़े सन्मुख करा कि सारे ही जिला साढ़े परिषद के मैंबर साहबान ब्लॉक समितियां के मैंबर साहबान पंचायत सरपंच साहबान और उन्होंने सारे का वर्कर साथियों का बहुत ही धन्यवादी हाँ साढ़े मैंबर पार्लियामेंट श्री मनीष तिवाड़ी जी उन्होंने भी आना सी पर क्योंकि अज सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर की जोड़ी तरीक हैगी है 370 की उत्थे उन्होंने मेरा ख्याल वकालत हैगी है इस करके वो अपनी हाजिरी कहते भी मेरी जरूर लवा दो और मैं हूँ जिन्हें भी वर्कर साथी बाहर पंडाल तो खड़े ने उन्होंने बेनती कराँगा कि प्रधान जी उन्हों का क्योंकि जोड़ा लैक्चर है पहले प्रधान ने है जोड़े आप नारे लाते हैं और वर्कर साथियों के बेच आप जाके बैठ के उन्होंने हौसला अफजाई करते हैं और मैं सारे बेनती कराँगा कि सारे जने अंदर आके बैठ जाओ और प्रधान जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजा वरंग जी थोड़े नाल संबोधन होंगे बहुत ही सत्कारयोग मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी नूं प्यार करने वाले और पंजाब नूं प्यार करने वाले मेरे बुजुर्गो नौजवान वीरों मेरी माताओं भाणों सब तो पहला मैं थोड़ा सिर झुका के धन्यवाद करदा कि तुसी अज पंजाब दे हड़ मारू लोगों की लड़ाई लड़न वास्ते आए हो मैं शुक्र गुजार हाँ तुसी 10 बजे दे इसे तरह इन्नी भर गर्मी दे विच तुसी आपदे लोगों की लड़ाई लड़न वास्ते आए हो थोड़ा सारिया का कोटन कोट धन्यवाद मंच से विराजमान साडे कांग्रेस पार्टी के सारे ही सीनियर लीडर साहबान सब तो पहला राणा केपी जी सबका स्पीकर बहुत ही सत्कारयोग चब्बेवाल साहब साढ़े डिप्टी लीडर साहेब बहुत ही सत्कारयोग साढ़े आदिया साहेब सबका MLA बहुत सत्कारयोग सरदार बलविंदर सिंह जी मौजूदा MLA बहुत सत्कारयोग लाली जी साढ़े सबका यूथ कांग्रेस के प्रधान बहुत सत्कारयोग साढ़े अजय मंगूपुर साढ़े मंगूपुर साहब जी दर्शन लाल जी बहुत सत्कारयोग साढ़े चैड़िया साहेब साढ़े जिले के प्रधान बहुत सत्कारयोग साढ़े दो बंदे थले बैठे हैं भी एक तो पल्ली चिक्की साहब और दूजे लखा जी साढ़े MLA पायल तो बहुत सत्कारयोग साढ़े अजय मंगूपुर जी जिले के प्रधान मेरा छोटा भरा बहुत सत्कारयोग साढ़े इस जिले नाल तलुकात रखने वाले साडा छोटा वीर साबका MLA अंगद सैनी साहेब बहुत सत्कारयोग साढ़े संदीप संधु साहेब जनरल सकत्तर अज उन्हां दी सेहत मेला दा ठीक नहीं है बहुत सत्कारयोग साढ़े ईछर जी साढ़े NSUI दे प्रधान बहुत सत्कारयोग साढ़े अज स्टेज दा संचालन कर रहे हैं जिहड़े हमेशा कांग्रेस पार्टी लई तत्पर रहिंदे आ तरलोचन सिंह सूंट साहेब बहुत ही सत्कारयोग हैप्पी खेड़ा जी साढ़े हरप्रीत जी जिहड़े पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम खैरा साहब बैठे आ
ते साडे सारे मेरा ख्याल बहुत सारे साथी जिहड़े इस मंच ते बैठे हैं, मैं जिन्हां दा नाम लवांगा तां काफी समा लग जाएगा, मैं उन्हां तों माफी चाहुंदा हां। यूथ कांग्रेस दे साडे प्रधान साहिबान ते साथीओ, अज दा जिहड़ा इह धरना है इह मेरा ख्याल छेवां साडा हड़ पीड़ता नूं लैके असीं धरना लाउण लगे हां। देखो जिहड़ी पाणी दी मार है, जिहड़ा हड़ आया वह कुदरती आफत है, किसी का इहदे च कोई कसूर नहीं है, इहदे विच आम आदमी पार्टी और भगवंत मान का कसूर नहीं है। लेकिन 6 लाख किला इस तो पहला पानी की मार दे विच आ चुके हैं। अगर सरकार तवज्जो दिंदी तां 2 लाख किले का नुकसान होना सी, 6 लाख किले का नुकसान नहीं होना सी। इहदे विच सिद्धा ते सिद्धा मुख्यमंत्री पंजाब दा ते उहनां दी सरकार दा कसूर है। जे समय सिर तवज्जो दे दिंदे, इक हड़ मारू इक मीटिंग हुंदी है जिहड़ा मुख्यमंत्री हर साल करदा है, उह मीटिंग जिहड़ी है जनवरी ते फरवरी च हुंदी है मेरे सत्कारयोग भराओ, उह जाके अप्रैल दे महीनियां दे विच उह मीटिंगां शुरू कीतियां। 100 करोड़ रुपया ड्रेना सफाई वास्ते दिंदियां, जिहड़े सेम नाले मींह दा पाणी कढ़दे, वह पैसा लेट दिता ते उन्हां दे टेंडर भी होए ते सारी जिहड़ी ड्रेन की सफाई सीगी वह लेट हो गई। तुसीं सुणिया होणा संत सीचेवाल नूं, उहने कहा सतलुज दे उस पुल दे थल्लों जिहड़ा रेल का पुल है, जे मिट्टी वेले नाल कढ लई जांदी सफाई हो जांदी जाणी तां शायद सतलुज ने इन्ना ज्यादा नुकसान नहीं करना सी। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਤਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਡਾਫ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ कि ये कुदरती आफत दे नाल नाल इह सरकार कसूरवार है, हड़ इन्नी मात्रा दे विच नहीं होने सी, इन्ना नुकसान नहीं होना सी जे सरकार मौके ते बंदोबस्त कर लैंदी। तुसी देखिया हुणे राणा गुरजीत सिंह जी हुणे बोल के गए है, उन्होंने अपने भाषण दरमियान अज तो 2 दिन पहला जिहड़ा धरना तरन तारण साहब लग्या सी 13 तरीक नूं उत्थे कहता सी कि अगले 3 दिन पंजाब का बहुत भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार की ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। चाहिए सरकार के मंत्री नूं ते सरकार के अफसर नूं, चीफ सैकटरी नूं ते मुख्यमंत्री नूं चाहिए सी कि बंदोबस्त कर लो, क्योंकि भाखड़ा डैम वालों ने, पौग डैम वालों ने जिहड़ा पानी छड़ना सी उह तां छड़ना सी, लेकिन लोगों पहला इतला वेले सिर दे दिती जांदी। मुख्यमंत्री का एक बयान आता तो लोग आपका समान सला चक के पासे रख लेंगे, अज उन्होंने मंजे बिस्तरे ते पेटियां ते सारा कुछ डुब गया, 14-14 फुट पानी आ गया। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती सी, पानी तो आना ही आना सी, पौग डैम ने छड़ना सी, लेकिन उरे आस्ते अगर सरकार कौन चाहती तो लोगों नूं उत्थे संद साधन भेज के उन्होंने समान सला बाहर कढ़िया जा सकता सी। इसे करके अज राणा गुरजीत जी कहने मैं सुल्तानपुर चले है, लोग फसे हुए उन्होंने कढ़न वास्ते चले, यह काम सरकार का सी जिहड़ा पहला करना चाहिए सी। ते उल्टा मुख्यमंत्री यह कह देंदे है, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कह देंदे है मैनू सेंटर दे अगे हाथ अड़न की लोड़ नहीं है। अज एक महीना बीत गया पटियाले च, पहला एक महीना पहला अज तो जिहड़ा ये हड़ आया सी, मैं उत्थे सारे दौरा करके आया, लोगों के घर डुब गए, लोगों दीआं फसलां तबाह हो गई, जमीनां दे विच 2-2 फुट सिल्ट जम गई। मैं नवां शहर भी आया सी तुहाडी कृपा दे नाल, मैनू अंगद सैनी होरां ने दस्सिया सी ते अपने अजय मैनू लेके गया सी। मैनू याद है आ बड़ा चौर दे विच एक बच्चा 21-22 साल का जिहड़ा फस गया सी, उरे असे कोई इंतजाम नहीं होया उहनू कढ़न दा, जिहड़ा हड़ दे नाल पाणी दे नाल थल्ले दब गया सी।
यह महीने की गल है, महीने तो बाद असि यह धरने लाने शुरू किए हैं। लोग जो आत्महत्या कर लग पे, लोगों को कोई साधन नहीं रहा। मैं जाके आया इधरले पटियाला साइड पातना, ते पातना का एक नौजवान खुदकुशी कर गया। जो मैं ते संदीप संधू जी उत्थे गए, उन्होंने दसिया कि इहदी मां जानी बच्चे की मां उहदी घरवाली 3 साल पहला जिहड़ा तलाक दे के चली गई सी, ते कल्ला मुंडा सी। दूजी वारी फसल बीजी सी, 2 किले जमीन सी, जमीन वेगी 15 किले ठेके ते लई वी सी। ते जो दूजी वारी फसल डुब गई तो पखे ना लट गया। 4 साल का उरा पुत जिहदे नूं वेख्या भी मेरा प्यो पखे ना लट गया पिया है, उन्हें आपके दादे नूं जाके भज के सत च बुलाउण गया। 4 साल कहिंदा पापा डैडी पखे ते, डैडी पखे ते। किसी प्रशासन नूं किसी प्रकार की कोई इतलाह नहीं सी। जे समय सिर उस व्यक्ति मुआवजा मिल जाता, जे समय सिर उहदे खाते च पैसा कोई चला जाता तो शायद तो मरनों बच सकता सी। मैं उहदे बाप नाल गल कीती तां बाप कहिंदा साडे कोले एंबूलेंस दे वास्ते पैसे नहीं सी, एंबूलेंस से लेके जान नूं पैसे नहीं थे। जनाब मशरूफन महला क्लीनिक खोलन दे विच लोक आत्महत्या कर रहे ने। मैनूं याद है, मैनूं याद है केजरीवाल साहब कहिंदे हुंदे सी, हजे भी वीडियो तुरी फिरदी है कि किसान साडी सरकार तो बाद अप्रैल तो बाद कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा। अज अंकड़े साडे नालों ज्यादा हो गए, कांग्रेस दे राज नालों अज जिहड़े अंकड़े खुदकुशियां दे ज्यादा हो गए हैं। तुसी जरा चेक करा लो, मीडिया वाले खड़े है। उरा कारण यह है कि सरकार सुती पई है, बिल्कुल कलियां चर्चावां गल्लां बातां मशहूरियां मस्करियां। लोगों को कह दिता गया मुर्गी का मुआवजा देंगे, ते दिल्ली तो हुण जिहड़े पैसे मंगे आ बकरी का मुआवजा देंगे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 9000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 7000 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ 9000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7200-7500 ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਵਾਂਗ ਖੇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ। इस तरह की मुआवजे की मांग हुण तक सरकार ने की है। फिर मुर्गी के पैसे तो भगवंत मान जी 15 रुपये ही दोगे। जे किले दे 9000 या 9500 रुपया दे रहे हो ते फिर मुर्गी ते बकरी दे पैसे तो 100 की तादाद दे विच आउणगे। मेरे सत्कारियो भराओ, इहो जिहा मजाक लोकां दे नाल कीता जा रहा है। आ पिछे बोर्ड पढ़ रहे हो, असीं मंग कीती है कि किसान का 1 एकड़ का 50000 रुपया देना चाहिए। किसान का जिहड़ा पशु मर गया, डंगर मर गया, मझ मर गई, गां मर गई, 50000 रुपया देना चाहिए। जिहड़ा घर ढह गया घट्टो घट 2.5 लाख रुपया चाहिए, 2.5 लाख नाल बनना कुछ नहीं लेकिन घट्टो घट 2.5 लाख रुपया दो। जिहड़ी दुकान नुकसानी गई किसे भरा दी, उहनू 2 लाख रुपए का मुआवजा दो। असीं मंग कीती है केंद्र सरकार तो 10000 करोड़ रुपए की। मैं ते राणा KP साहब ते पंजाब दे CLP लीडर प्रताप सिंह बाजवा असीं जाके मंग करके आए सी कि पंजाब का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पर अफसोस पंजाब का गवर्नर भी दौरे करता रहा लेकिन हजे तक दिल्ली तो किसी प्रकार की कोई मदद से राहत नहीं आई। या BJP वालों तो मेरे सरकारी भराओ, 50000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के खाते च हुंदा कुदरती आफत नाल निपटण वास्ते। पता नहीं की दुश्मनी है पंजाब के लोगों नाल, पता नहीं की दुश्मनी है, क्यों नहीं साडे ते कदे भी केंद्र सरकार ने आपकी कृपा की। हालांकि 10000 करोड़ रुपया देना चाहिए। BJP सरकार है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। जे गवर्नर भी दौरे करेगा तो मुख्यमंत्री भी दौरे करेगा तो साडे अर्गे भी पानी च जाणगे तो फिर पैसा लिया के कौन देगा। यह साडा कम है, पानी च जाना लोगों के नाल खड़े होना यह साडा कम है। कृपा करके तुहाडा कम है सरकार चलाने, तुहाडा कम है BJP ते आम आदमी पार्टी वालों का पैसे लिया के दो पंजाब के किसानों नूं। पंजाब का किसान मरिया पिया है, पंजाबी बारे सोचो। पंजाब के लोगों का डेली अत्याचार हो रहा मेरे सरकारी भराओ। आ BJP की गल दस दिंदा, एक प्रधानमंत्री किसान योजना स्कीम चली है जिहदे राही किसानों के खाते च 6000-6000 रुपया आउंदा हुंदा सी। अज तो पहला, अज तो 3 वरे पहला
पंजाब दे 23 लाख बंदियां नूं 6000 रुपया मिलदा सी अज तो 3 वरे पहला ते हुण किन्ना मिलदा हुण 8.5 लाख बंदियां नूं मीडिया वालों 17.5 लाख लोगों का प्रधानमंत्री किसान योजना चो नाम करता गया हम मिठा जी खड़े हैं साडे तरन तारण तो किसानों की लड़ाई लड़ते साढ़े 17 लाख लोगों का नाम कट दिता गया ते पुछया भी क्यों कटिया ते कहा गया भी इन्हों के कागज पूरे नहीं ते अज तो 3 साल पहला केड़े कागज पूरे से जो इन्हों 6000 रुपया दिता वो इस करके कर दिता गया कि पंजाब का किसान बार्डर ते जाके मोदी साहब नूं गोडियां पर ने करके आया सी लड़ाई लड़ी सी 3 काले कानूनों की 700 लोगों नूं किसान भरावां नूं शहीद करा के आया सी आपके मन चो गल नहीं कढ रहा नरेंद्र मोदी साहेब इस करके पंजाब दे लोगों दे नाले वितकरा किया जा रहा है ते आ मेरा भाई जिहड़ा कहना मैं सधारण एक अध्यापक का पुत्र जिहड़ा मुख्यमंत्री बनया साडा भगवंत सिंह मान साहब मैं उन्होंने पूछना चाहना जनाबे वाली तुसी भी कोई घट नहीं कीती 60,000 किसानों का इन्होंने पेंशन बंद कर दिती है क्यों 60,000 कुछ लोगों की दया साहब तुसी नकोदर तो आए हो थोड़ा धन्यवाद 60,000 किसानों की इन्हों लोगों ने पेंशन बंद कर दिती है इन्होंने कहा कि 1500 रुपए का जोड़ा पेंशन दिने तुहानू जिहड़ी कांग्रेस पार्टी पेंशन देन गई दिंदी सी इन्होंने कहा कि किसान की हुण आमदन एक साल की 50,000 रुपए तो वध गई है इस करके क्यों ना थोड़ी पेंशन कट दी जाए यह नोटिस पंजाब के 60,000 किसानों पेंशन विभाग ने भेज दिते गए है यह वितकरा हो रहा मेरे पंजाब के लोगों के नाल जिहड़ियां गुझियां गुझियां मारां अंदर खाते मारी जाते हैं पंजाब सरकार के लोग यह पंजाब का नुकसान किया जिहड़ी लड़ाई लड़न वास्ते अज असीं थोड़े दरमियान आए हैं पंजाब का बदलाव होया सी किस करके होया सी क्योंकि पंजाब के लोग थक गए सन पंजाब के लोग साढ़े अर्गे तो थक गए सन उन्होंने कहा कि बदलाव लेके आओ यह नवी इनकलाबी पार्टी है यह नशा बंद करेगी यह VIP कल्चर बंद करेगी यह साड़ी गलबात सुनेगी साढ़े हकों की लड़ाई लड़ेगी यह साढ़े अर्गे लोग है अज पंजाब दे विच नशे दे की हालात पे जे साडे वेले 10 मरदे सी तां हुण 25 मर रहे हैं दशा दुगना तिगना अज पंजाब दे अंदर हो गया मेरे सरकारी उपराओ जे मेरी गल झूठ है तां दस दिओ अज नशे दा की बोलबाला तुसी जानदे हो इस तों बाद नशे दी लड़ाई भी असीं लोगां ने लड़नी है सो किस प्रकार दे वड्डे वड्डे इन्हां ने वादे कीते सी मैं आ करांगे आ करांगे आ करांगे अज जो हालात ने पंजाब वाकई अंदर वड़ वड़ के पंजाब दे लोग आपदे मुंह ते थप्पड़ मारदे रोंदे है करलाउंदे है कि अगले 3.5 साल किदा टप्पणगे हर गल का मजाकिया तौर बनाया जाता है कह दिता जाता मुआवजा दिता कितने मुआवजा दिता भाई दसे कोई नवा शहर का व्यक्ति जिथे पानी आया सी बलाचौर का व्यक्ति दसे गढ़ शंकर के लोग जिथे पानी आया सी दसन कि किनू किनू मुआवजा मिले 500 रुपए का चेक दिता और जान बुझ के मुख्यमंत्री साहब 15 अगस्त से मैं SDM ते IAS ऑफिसर ना गल की 9000 रुपए तो किले का वध नहीं असी दे सकते जान बुझ के 3-4 किसानों लख लख रुपए के चैक दे के तुसी पंजाब के लोगों नूं बेवकूफ बनाना चाहते हो कि मैं मुआवजा देने पंजाब के लोग जिथे पानी आया सी वो तरह तरह करते मरते जा रहे हैं कृपा करके पंजाब के लोगों नाल इस तरह का मजाक ना करो और मैं हुणे पढ़ रहा सी यूरिया की थां ते बोतल दिती जा रही है नैनो यूरिया की बोतल कहिंदे धक्के नाल किसानां नूं कहा जा रहा भी आ धक्के नाल लीटर की नैनो यूरिया बोतल लेनी पैनी है तुहानूं इह कदे नहीं होया इह बदलाव है एक कंपनी ने पता नहीं कैड़ी कंपनी दे के गई है मैं बेनती करांगा मुख्यमंत्री साहब नूं किसान अगे मरिया पिया और तुसी धक्के दे नाल किसी कंपनी वाले नूं खुश करन दे मारे यूरिया नैनो की बोतल चुका रहे हो लोग यूरिया मंग रहे सो किस प्रकार का मजाक जिहड़ी सरकार बना रही है तुसी सब भली भांति जानते हो मेरे सत्कारी उपराओ अज मावां चीकां मार रही है
कई मेरिया भैन के सुहाग उजड़ गए, कई दिया कुखा सुनिया हो गई, कई मोटा देने वाला कोई नहीं रहा। इस तरह की पंजाब के लोगों की नौजवानों की तरसयोग हालत है। ठीक क्या, ठीक क्या चन्नी साहब होरां ने, और किस प्रकार साढ़े अध्यापक भरावां दे नाल जो वितकरा किया जा रहा है, रोजाना रोजाना उन्होंने लाठी चार्ज हों, और किस प्रकार उन्होंने क्या भी थोनू असी पक्के करांगे, और पक्के करन दे नाते किस प्रकार का मजाक पंजाब की सरकार ने किया है, तुसी सब जानते हो सरकारी उपराओ। अज इत्थे सरपंचां दी गल कर रहे सी, कल असी पटीशन दायर कीती है के पी साहब, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिपन कही नूं वकील करके असी पटीशन दायर कीती है, हाई कोर्ट दे विच दायर हो गई है। वह पटीशन असी कहा कि नोटिफिकेशन गलत होया, तुसी चुने हुए सरपंचां दे नाल धक्का कीता, तुसी जासी करना चाहुंदे हो। पहला तो साडे सरपंचां नूं एक साल तुसी पैसा नहीं लाउण दिता जेड़ा पैसा खात्या च पिया, और हुण उन्हां दी 5-6 महीने उन्हां दी मनियाद पहला खत्म करके तुसी सारा पैसा आपदे जेड़ा भी तुसी उत्थे लाओगे इंचार्ज आपदे सेक्टरियां तो लवाउणा चाहुंदे हो। इह सरासर चुने हुए लोगों के नाल धोखा है। ठीक क्या, मेरे तो बोलने वाले पहले बुलारिया ने जे 6 महीने पहला पंजाब के मुख्यमंत्री नूं ला दिता जाए, जे 6 महीने पहला किसी चुने हुए MLA नूं ला दिता जाए, तो फिर तुसी की महसूस करोगे। इस तरह की जासती ते धक्का पहली बारी होया। सरकारां बदलदियां आईयां, पहला भी बदलदियां सन, लेकिन इस तरह आपके स्वार्थ वास्ते तुसी पंजाब के चुने हुए लोगों नूं उतार दिओ, ये गल हरगिज मंजूर नहीं है। एरे ते आने वाले समय दे विच असी लड़ाई जरूर लड़ांगे। सो सत्कारियो भराओ, मेरी आप नूं बेनती है, जिस तरह तुसी तर्न कीता है, और मैनूं लगदा कि भगत सिंह जी दी शहीद है, जो भगत सिंह जी दी धरती दे लोग बड़े काबिल लोग ने, बड़े हिम्मत वाले लोग ने। असी तां इस धरती नूं हमेशा सलाम करदे हां। इस धरती ने पूरी दुनिया दे विच, पूरी दुनिया दे विच भगत सिंह जी का नाम पूरी दुनिया दे विच शानो शौकत नाल लिया जांदा है, चाहे अमरीका होए, चाहे कनेडा होवे। मेरा ख्याल जिथे जिथे भारत का कोई व्यक्ति बैठा है, हर व्यक्ति सरदार भगत सिंह जी का नाम फकर दे नाल लैंदा है। सो उस धरती ते अज असी आए, तुसी लोगों ने साडा साथ दिता, और इस धरती नूं वर कि हर लड़ाई दे विच अगा होके आपका वड्डा योगदान इस धरती पाउंदी है। और मैनू यह पता है कि जो लोड़ पाएगी, जो असि थोनू बुलावांगे कि आओ अज मुख्यमंत्री का घिराओ करना है, तो तुम मोहरी होके चंडीगढ़ के वल कूच करोगे। आने वाले समय च मुख्यमंत्रियों के घिराओ भी करने हैं, तो मंत्री सभा के भी घिराओ करने हैं। तुसी तकड़े रहना है, जिन्ना चिकर पंजाब के किसान नूं मुआवजा नहीं मिल जाता, जिन्ना चिकर पंजाब के गरीबां नूं मजदूरां नूं कामियां नूं मुआवजा नहीं मिल जाता, जिन्ना चिकर पंजाब के दुकानदारां नूं मुआवजा नहीं मिल जाता, उन्ना चिकर कांग्रेस पार्टी आपका संघर्ष इसे तरह जारी रखेगी, और तगड़े होके तुसी लोगों ने साडा साथ देना है। सो इन शब्दों के नाल हाजरी करो प्रवान, थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी इत्थे आए, इस धरने च पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।